वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग 30-40 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देश के सभी एग्जाम के लिए कवर करते हैं। जो जो ऐसी न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी है जो कि हम लोग देखते हैं। ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर हम लोग नहीं स्किप करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जहां से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बन सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है सैटरडे और हमेशा की तरह हम लोग मंडे टू सैटरडे है जो कि इस सेशन को कवर करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आज की अपनी डेट है, ठीक है। तो आज है 26th of February और हमेशा की तरह बहुत कुछ है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सारे आपके एग्जाम हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सेशन रेगुलर है जो कि देखना चाहिए। तो सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद में कोट ऑफ द डे देखेंगे, सारे के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ, फन फैक्ट आज नहीं है, भूल गया मैं, 5 वोकैबुलरी आपके, और साथ में क्विज है जो कि हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कल के क्वेश्चन थे G20 को लेकर। तो G20 की स्थापना कब हुई थी ये मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। चलिए, और साउंड कम आ रहा है क्या, साउंड वाउंड सही है क्या, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए साउंड की। 1995 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आवाज बिल्कुल सही आ रही है तो मेरे को एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है, परफेक्ट है, चलो ठीक है। चलो, तो 1995 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। उसके अलावा ड्रेसिंग संग्रहालय निर्देशन सदन का उद्घाटन किसके द्वारा सोनेवाल साहब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था परम प्रवेगा को लेकर। तो ये एक सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी, कितनी कम सुपर कंप्यूटिंग इसकी कैपेसिटी थी, 3.3 पेटाफ्लॉप से जो कि इसकी कैपेसिटी थी। साथ में जैसा कि आपको मालूम ही है, अन अकेडमी के ऊपर आप इंडिया के 40+ एग्जाम में से किसी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। SSC के अंदर अभी रिसेंटली मैंने बायोलॉजी की शुरुआत करी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बायोलॉजी की क्लासेस। आपको यहाँ पे वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, सब कुछ अवेलेबल होगा। आपको रेफरल कोड लगाना है BHU10 या भुनेश्टन, जिससे आपको 10% ऑफ और जो भी लेटेस्ट ऑफर्स है वो सब आपको मिल जाएंगे। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्जाम में आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपका गोल सेलेक्ट करना है, 40 एग्जाम में से जो भी गोल है सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और यहाँ पे BHU10 नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब एजुकेशन की वजह से मिली होगी, तो एक कोशिश करिए 500 रुपये पर मंथ में एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से एक बच्चे के एजुकेशन स्पॉन्सर कर सके, smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों, व्हेनेवर यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, देयर इज वन फैक्टर दैट कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन डैमेजिंग योर रिलेशनशिप एंड डीपनिंग इट, दैट फैक्टर इज योर एटीट्यूड। तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हो किसी के साथ में भी, और दोस्तों आप अपने रिलेशनशिप, अपने सब कुछ खराब करने वाली कंडीशन में होते हो, तो एक ही चीज़ है जो कि मैटर करती है, कि वो है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सॉफ्ट है, अगर आप सच में चाहते हो कि रिलेशनशिप मेंटेन रहे, तो कभी भी आप ऐसी बातें नहीं बोलोगे, कभी भी झगड़ा नहीं करोगे, अगर वो चीज़ सच में आपके लिए जो है वो मैटर करती है तो, है ना। तो अपना एटीट्यूड जो है उसके ऊपर थोड़ा काम करिए, पॉजिटिव रखिए, अच्छी बातें लोगों को बोलिए, कुछ ऐसी बातें ना बोलें जिससे जो है जो उनकी पर्सनल हो या फिर जिससे उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचे। अगर हाँ, डेफिनेटली अगर कोई चीज़ उनके बेनिफिट के लिए है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, चलते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, मिसाइल्स ने कल जो उनकी कैपिटल है कीव, उनके वहाँ तक दोस्तों हिट किया। इसके अलावा सिटी जो है वो पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में आ गई है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मोदी जी ने वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री को बनाने के लिए बोला है। यहाँ पे CBI ने फॉर्मर ऑफिशियल था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, उसको चेन्नई में पकड़ा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर है कुछ खास नहीं, और यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, तो इस वाली न्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि आप सभी को मालूम है, यूक्रेन और रशियन क्राइसिस को लेकर है। कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, लेकिन कल तक परसों, मतलब जो कल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था ना, वो ये था कि परसों तक सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री के इनके जो स्टोरेज है, जो इनकी जगह है, वहीं पर ही अटैक हुए थे, है ना। लेकिन कल दोस्तों क्या हो गया कि कल तो जो सिविलियंस है उनकी भी बहुत ज्यादा डेथ हो गई,
और जो नॉर्मल जगह है, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहां तक दोस्तों कई सारे अटैक है जो कि देखने को मिले, जो कि सच में बहुत ही डिसहार्टनिंग था। क्योंकि बहुत सारे लोग, देखो कभी भी युद्ध होता है ना किसी भी पैमाने के ऊपर, तो किसी का भला नहीं होता उससे। और ये तो अच्छी बात है कि यूएसए और इसके अंदर बाकी कंट्रीज पूरी ओपनली इसके अंदर युद्ध में आए नहीं, अदरवाइज वर्ल्ड वॉर से जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता था। अब यूएसए चाहे वर्ल्ड वॉर 3 के डर से नहीं आया हो, या फिर ठीक है उसको आना नहीं था, जो भी कारण रहा है मतलब, लेकिन एटलीस्ट जो है वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचा। लेकिन जितना भी दोस्तों युद्ध स्तर के ऊपर जो भी चीजें हो रही है, इससे सबसे मतलब किसी भी देश को इससे भला नहीं होता। वो आपने देखा, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, कितने सारे लोगों के घर टूट गए, बच्चे और हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि स्टेशन के बीच में रह रहे हैं नीचे की तरफ, उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं है। तो आप देख सकते हो रशियन मिसाइल्स ने दोस्तों यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उनको फ्राइडे को अटैक किया। कई सारे फैमिली शेल्टर के अंदर जो है वो रुकी हुई है, अथॉरिटीज ने जो है लोगों को जो बेसमेंट है मेट्रोस के उसके नीचे जो है वहां पे सेव किया है। ओके, और यहाँ पे जो मेजर जो है आप देख सकते हो बॉम्ब शेल्टर्स जो है ना, और ओके उनके नीचे की तरफ जो है उन्होंने रुककर अपनी जान है जो कि बचाई है। इनफैक्ट हमारे भी 500 स्टूडेंट हैं जो कि रोमानिया पोलैंड आसपास की बॉर्डर में चले गए, फिर वहां से उनको एयरलिफ्ट करने की कोशिश है जो कि यहाँ पे करी जा रही है। अब यहाँ पे ये है कि जो ज़ेलेंस्की है वो तो बोल रहे हैं, आप देख सकते हो पेंटागन ने भी दोस्तों कल यानी कि 7,000 सैनिक जो है वो पूर्वी यूरोप के अंदर भेज दिए हैं ताकि यूरोप के अंदर एंटर ना हो सके, और नाटो ने भी अपने सोल्जर्स को भेजे हैं। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नाटो जो है वो पहली बार कूदा है ना, इससे पहले तो यूक्रेन को बस ये लोग हथियार ही दे रहे थे, ज्यादा लोग नहीं थे। कल दोस्तों 40,000 के आसपास नाटो के सैनिक है जो कि डिप्लॉय करे गए हैं। ओके, ये देख सकते हो 40,000 के आसपास है। इसके अलावा है ना 3 साइड से अटैक है जो कि रशिया ने किया, नेवी एयरफोर्स और आर्मी तीरों से। इससे पहले बाल्टिक देशों ने 5,000 सैनिक जो है यहाँ पे तैनात किए थे। ज़ेलेंस्की ने तो दोस्तों वार्ता की बात करी, लेकिन पुतिन ने यहाँ पे साफ बोल दिया है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो सरेंडर की शर्त है जो कि यहाँ पे पुतिन के द्वारा रखी गई है। एक और बड़ी बात ये हुई कि जो यहाँ पे चर्नबिल है, तो चर्नबिल का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, देखो आपको ने सुना होगा दुनिया में आज तक 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर हुए। एक तो फुकुशिमा डाइची रिएक्टर जापान के अंदर जो कि सवियर कैटेगरी में था, और एक 1986 के अंदर हुआ था चर्नबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो कि यूक्रेन के अंदर ही है। और यहाँ पे उस टाइम पे 86 में लोगों की तो 100 के आसपास लोगों की डेथ हो गई थी और हजारों लोग, और इसका जो इम्पैक्ट था ना वो एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ था, इन्वायरमेंट को भी, ह्यूमन लॉस भी हुआ, और उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कल क्या हो गया कि यहाँ पे चर्नबिल न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है इसको भी दोस्तों रशिया ने कब्जे में ले लिया, और यहाँ पे जो रेडिएशन का लेवल था ना वो यहाँ पे स्पाइक हो गया, यानी कि ज्यादा हो गया है। तो ये भी एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन एरर होती है इसको संभालने में तो बहुत ज्यादा ह्यूमन का लॉस और आने वाली जनरेशन का उस एरिया का लॉस है जो कि हो सकता है। ठीक है, क्या हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या, सही तो है सब कुछ। ठीक है, आवाज आवाज आ रही है, सब कुछ सही है क्या? यार आज मेरे एक इंटरनेट चल नहीं रहा, दूसरा वाला एक ही इंटरनेट चल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एक बार देखना पड़े इंटरनेट का प्रॉब्लम। आ रही है आवाज आवाज, कोई दिक्कत तो नहीं है विशाल? चलो ठीक है, सब कुछ ऑल राइट। तो यहाँ पे दोस्तों यूक्रेनियन अथॉरिटी ने जो है बोला है कि रेडिएशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है चर्नोबिल एक्सक्लूसिव जोन के अंदर, और वार्न किया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इन्वेड किया रशियन ट्रूप्स ने तो उसके बहुत ज्यादा टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। मोस्ट रेडियो एक्टिव प्लेस है जो कि अर्थ के ऊपर दोस्तों इस जगह को माना जाता है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई इसको हैंडलिंग के अंदर तो बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि उस पास आसपास के जो एरिया है उनको देखने को मिलेगा। प्लूटोनियम 239, समझ गए? तो एक ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बन सकता है अगर इसको सही तरीके से देखा नहीं गया, हैंडल नहीं किया, और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की मृत्यु है जो कि यहाँ पे हो सकती है, और ये पूरा का पूरा डेजर्ट बन जाएगा अगर इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो। हालांकि रशिया ने बोला है कि हमको मालूम है कैसे हैंडल करना है, क्या नहीं करना है ना, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज कर दिया यूरोपियन असेट पुतिन के, और यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना लैवरो, उनके जो है सब कुछ जितने भी असेट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे फ्रीज कर दिए हैं।
क्योंकि वो लोग फोर्स पनिश कर रहे हैं रशियन इन्वेजन जो यूक्रेन के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। साथ में यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इन सब ने जो है मोर सैंक्शन के बारे में बात करी है, यही बात यहाँ पे हुई है। इसके अलावा 50,000 यूक्रेनियन दोस्तों देश छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ द अटैक, जो यहाँ पे अटैक हो रहे हैं उस चीज को लेकर, तो ये यूएन की रिपोर्ट है। बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस कंट्री के अंदर भी दोस्तों देखने को मिलेंगे। मात्र 48 आवर्स के अंदर 50,000 लोग छोड़ के चले गए, पोलैंड है, मोल्डोवा है, आसपास के जो कंट्रीज है वहां पे चले गए। अब मैं अगर इंडिया की बात करूं हमारे ऊपर दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनफैक्ट इस युद्ध का जो प्रोटेस्ट है वो रशिया के अंदर भी हो रहा है। रशिया के जनता भी दोस्तों वो नहीं चाहती है, मतलब एंड ऑफ द डे रशिया हुआ चाहे फिर यूक्रेन हुआ और आसपास के सोवियत यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, ये काफी क्लोज टाइज है जो कि अपने मेंटेन करते आए हैं शुरू से ही, काफी सालों से। कल्चर को लेकर, लिंग्विस्टिक को लेकर सारी काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। तो यहाँ के लोगों ने भी आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पे काफी बड़ी रैली निकाली है और जो है इस चीज को कंडम किया है उन्होंने। 1600 लोगों को तो दोस्तों गिरफ्तार भी कर लिया गया रशिया के अंदर, है ना। एंटी वॉर प्रोटेस्ट है जो कि यहाँ पे रशिया के अंदर भी देखने को मिल रही है। हालांकि रशिया ने काफी कोशिश करी है मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की। इनफैक्ट जो इनका जो सबसे बड़ा टीवी है यहाँ पे, RTV करके एक टीवी है रशियन टेलीविजन न्यूज, उसने भी काफी कोशिश करी ये जनता को बताने के लिए कि भाई हम तो खुद सपोर्ट, हमारी सेफ्टी के लिए हम लोग अटैक कर रहे हैं, है ना। और उसके वजह से कई कुछ एक हैकर्स का ग्रुप है अनोनिमस ग्रुप करके, उसने भी इनको हैक कर लिया इनका टीवी और बताया कि भाई ऐसा सच नहीं है, है ना। एक हैकर्स का ग्रुप है मतलब जिसको बोला जाता है कि यूएसए सपोर्ट करता है और वो अक्सर जो है वो रशिया और बाकी कंट्रीज जो है ना उनको वेबसाइट को हैक करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे डिलीवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिली। ये सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो फोटो है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। दुनिया में कोई भी देश की जनता कभी वॉर नहीं चाहेगी, मतलब ये बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, आर्य समाज के फाउंडर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, आज उनका बर्थडे है दोस्तों। तो उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ही दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट है जो कि आया है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ही दोस्तों सब कुछ है जो कि हमारे दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने दोस्तों ट्रू हिंदुइज्म है जो कि लोगों को सिखाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंदुइज्म जो कि एक आर्ट था लिविंग का, कैसे दोस्तों उसको एक कम्युनिटी बना दिया गया और उसके अंदर फॉल्स प्रोपेगेंडास डाल के कैसे जो है उसको मोल्ड करके लोगों ने अपने हिसाब से उसको जो है वो आगे बढ़ाया। तो दयानंद सरस्वती जी दोस्तों जब छोटे थे तब इन्होंने जो है 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और 15 साल तक ये घूमते रहे और ट्रू नॉलेज की तलाश के अंदर कई जगह पे, हिमालय से लेकर इन्होंने काफ़ी जगह पे टाइम बिताया, मेडिटेशन किया, बहुत जगह पे ये रहे। और ये देख सकते हो 1824 के अंदर इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण फैमिली के अंदर गुजरात के अंदर। 21 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि पहले छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, तो इन सब चीज़ों से इन्होंने दूर रह के जो है वो घर छोड़ दिया। 15 साल तक दोस्तों घूमते रहे, फाइनली 2.5 साल जो है वो मथुरा में बिताया और एक ब्लाइंड सेंट थे दोस्तों, स्कॉलर थे स्वामी विरजानंद जी, उनके डिसाइपल बन के, है ना, ठीक है, उनके वहां पे शिष्य के रूप में इन्होंने 2.5 साल बिताए और उन्होंने दोस्तों इनको सिखाया कि किस तरीके से जो ट्रू वेदास है ना वो आपको नॉलेज है जो कि देते हैं। ट्रू वेदास जो है इसके अंदर कितना ज्ञान छुपा हुआ है और उसमें फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है जो कि इन्होंने वेदास की सिखाई, ओके। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोगों ने जो है वो गलत फायदा उठाया हिंदुइज्म का और उसको गलत तरीके से मोल्ड किया, ओके। क्योंकि इन्होंने बताया कि जब जो वेदास थे, है ना, और जो पुराण थे, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इनका मानना था कि वेदास के अंदर काफी ट्रू नॉलेज है, काफी अच्छी बातें बताई गई है, लेकिन जो बाद में पुराण लिखे गए उसके अंदर दोस्तों क्या लोगों ने अपने फायदे के लिए गलत गलत तरीके से इसमें चीजें ऐड ऑन करी और वही लोगों लोग जो है वो बाद में मानने लग गए। अगर आपने दोस्तों मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है तो मैंने आपको अर्ली ऋग्वेद के टाइम का इतिहास और जो लेटर ऋग्वेद है दोनों का इतिहास आपने मेरे से पढ़ा होगा, कितना फर्क है, रात और दिन का फर्क है। अगर आप 1500 से 1000 BC और 1000 BC से 750 BC इस ड्यूरेशन में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको समझ में आएगी ये बात। तो इन्होंने दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि आर्यंस वो लोग थे जिन्होंने वेदास लिखे, है ना, और उनको चुना गया, वेदास को चुना गया और इंडिया जो है वो लैंड है जो कि चुनी गई थी, है ना। इसी के बिलीव के ऊपर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी बॉम्बे में 1875 में और बहुत ही डीपली जो है उन्होंने वेदास की स्टडी करी, इंडियन फिलॉसफी की स्टडी करी
और फाइनली ये कंक्लूजन है जो कि उन्होंने निकाला, ठीक है। उन्होंने दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो उस जमाने में लाहौर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है जो कि बनाया गया था। शुरुआत के 8 साल इन्होंने वेदास को और डीपली पढ़ा और किताबें लिखी कई सारे, है ना, ऑर्गेनाइज करने के लिए, टीचिंग करना, ये सब चीजें जो कि इन्होंने करी। उसके बाद में कुछ बुक है जो कि इनके द्वारा लिखी गई, वेदास को इन्होंने ट्रांसलेट भी किया और 3 किताबें इन्होंने लिखी जो कि पेपर में भी पूछी जाती है। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी के अंदर, वैद भाष्य भूमिका, ये वैदिक कॉमेंट्री थी, और एक वैद्य भाषा, ये संस्कृत के अंदर थी। तो ये 3 किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई। सबसे पहले स्वराज की जो बात है वो इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1876 में करी गई थी, है ना, 1876 में इनके द्वारा ही। इंडिया फॉर इंडियंस, गो बैक टू वेदास, ये सारी बातें इनके द्वारा ही बोली गई थी। और बाद में इसी चीज को हमारे तिलक साहब ने जो है वो लिया था और बाद में उन्होंने भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इस बात को बोला था, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने बताया था कि जो बाद में दोस्तों हिंदू स्क्रिप्चर लिखे गए जैसे कि पुराण, ये रेस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर इविल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी गई, आइडल वर्कशिप के बारे में बात करी गई, सुपरस्टिशियस चीजों के बारे में बात करी गई जो कि हिंदू संप्रदाय के अंदर आ गया। इन्होंने दोस्तों रिजेक्ट किया सारे वैदिक डेवलपमेंट, पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट, जो वेदास के बाद में जो भी डेवलपमेंट हुए ना उन सबको इन्होंने रिजेक्ट किया है, समझ गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं तो आर्य समाज के अंदर आज के टाइम पे आप देखोगे आज भी आर्य समाज है, अवेलेबल है, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, तो इसके अंदर आइडल वर्कशिप नहीं होती है, मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं होती है, समझ गए, है ना। और ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट किया डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, कि जो कर्मा है ना वो सबसे बड़ी चीज है और सिंगल गॉड के ऊपर है जो कि इन्होंने बिलीव किया था। इसके अलावा जो डेस्टिनी से आपको मिलता है वो सब थ्योरम इन्होंने रिजेक्ट करी, सिंगल गॉड के अंदर बिलीव किया गया, जो ब्राह्मण का जो डोमिनेंट था स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में उन सबको रिजेक्ट किया इन्होंने, है ना। और ये इस चीज को प्रिंसिपल को इन्होंने नकारा कि भगवान और इंसान के बीच में ब्राह्मण है, ठीक है, वो पीके वाली पिक्चर के बारे में आपने सुना होगा, मैनेजर वाली बात, वही बात है जो कि इनके द्वारा बोली गई। इन्होंने 4 वर्ण सिस्टम को सपोर्ट किया था, लेकिन ये बोला था कि वर्ण सिस्टम तो ठीक है लेकिन ये टैलेंट के ऊपर होना चाहिए, ये चीज मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, बर्थ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, वही सारे काम करेगा, वही चीजें करेगा, ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने मना की थी। इसके अलावा दोस्तों इक्वल स्टेटस की बात करी महिलाओं की सोसाइटी में, है ना, डिस्क्रिमिनेशन जो है जेंडर के व्याप पे इन्होंने उसको हटाया, विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया, फीमेल एजुकेशन को, मल्टीपल शादियों को इन्होंने अलाउ, इन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, ये सब बंद किया, ओके। हिंदी और संस्कृत को दोस्तों प्रमोट किया, इन्होंने बोला कि बहुत चीजें लिखी हुई है इनको पढ़नी चाहिए, हमें इनको आगे बढ़ाना चाहिए। जो सोसाइटी के अंदर इविल प्रैक्टिसेस है जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस करना, है ना, जानवर को मारना, रिलीजन जो पिलग्रिमेज होती है ना, मरने के बाद में लोग खाना खिलाते हैं, ओके, मैजिक और ये सब जो है ना, इन सबको इन्होंने दोस्तों क्या किया था, डिनाउंस किया था, ओके। स्वामी दयानंद जी के हिसाब से दोस्तों जो ये बुराइयां होती है वो समाज के अंदर ही रहती है और समाज के वजह और समाज के अंदर ही बुराइयां देखने को मिलती है, और इसका कारण क्या है, इग्नोरेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ द वेदास, वेदास को गलत तरीके से बताया जाता है, प्रीच किया जाता है, उसकी वजह से ये इग्नोरेंस है जो कि देखने को मिलती है। और आज आपको, आज की सोसाइटी में आपको इसको ट्रू एग्जांपल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आज के टाइम पे आपको हिंदुइज्म के अंदर जो लोग, है ना, नारे लगाएंगे या फिर जो लोग, है ना, ऐसी बातें करेंगे भड़की हुई, उन्हीं लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने ठेका ले रखा है या वही जो है वो ट्रू हिंदुइज्म समझते हैं, जबकि बिल्कुल उल्टा है एकदम, है ना, बिल्कुल एकदम उल्टा है। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है कैसे आपको जीवन जीना है, जो ट्रू वेदास है उसका मीनिंग आपको तभी पता लगेगा तब आप थोड़ा बहुत और पढ़ोगे जानोगे। इनके पूरे कार्यकाल में दोस्तों एक कॉन्ट्रोवर्सी रही, वो था शुद्धि मूवमेंट को लेकर। शुद्धि मूवमेंट में क्या था कि उस जमाने में दोस्तों क्रिश्चियन मिशनरीज काफी कन्वर्जन किया करते थे, है ना, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट किया, इन्होंने वापस से लोगों को हिंदुइज्म को ज्वाइन करने के लिए बोला और वेदास को पढ़ने के लिए बोला, ओके, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ काउ को लेकर भी इन्होंने काफी काम करे। इसके अलावा दोस्तों इनसे जो है वो बहुत लोग इंस्पायर थे। आपको एक और बहुत ही अमेजिंग बात बताऊंगा कि इनको जहर भी दिया गया था इनको मारने के लिए, है ना, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो काफी लोग जो है वो इंस्पायर हुए, चाहे वो अपने श्याम जी कृष्णा वर्मा जी हो, एम जी रानाडे हो, सावरकर जी हो, मदनलाल डिगरा, भगत सिंह, ऐसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, सब लोग जो है इनकी फिलोसफी से बहुत इंस्पायर थे। इनफैक्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना
तो राधा कृष्णन जी ने भी ये बात बोली थी कि कई सारे हमारे रिफॉर्म्स और हमारे एडिशन जो है वो दयानंद सरस्वती जी के ऊपर है, मतलब उनके फिलॉसफी के ऊपर हमने इंक्लूड करे गए हैं। एक बार दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह जी जो कि जोधपुर के राजा थे, है ना, उन्होंने दोस्तों इनको बुलाया था क्योंकि वो इनके शिष्य बनना चाहते थे। तो जसवंत सिंह जी जो द्वितीय जो जसवंत सिंह जी जब इनके पास में गए, यहाँ पे रुका गए, जब वो रुके जोधपुर के अंदर, तो जब ये उनके हॉल के अंदर गए तो वहां पे इन्होंने देखा कि एक लड़की है जो कि वहां पे डांस कर रही है ना, नन्ही करके कुछ नाम था उस लड़की का। तो देखा कि भाई डांस वांस चल रहा है, जैसे कि आपको मालूम है राजा महाराजा ऐसे डांस वांस के बड़े शौकीन हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये सब चीज़ें वो सही नहीं है, गलत है मतलब, और ये जो एक्ट है आपको इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए और इनको एक अच्छा लाइवलीहुड या दूसरा कोई काम है जो कि देना चाहिए जिसके अंदर ये थोड़ा बेहतर जीवन है जो कि जी सके। तो ये बात जो है दोस्तों जसवंत सिंह जी को तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो वो डांसर थी उसको अच्छी नहीं लगी। उसने दोस्तों क्या किया, रात के टाइम पे कुक को जो है वो पैसे दिए और उनके दूध के अंदर जहर मिला दिया, और ये जहर जब वो उन्होंने दूध पिया तो बहुत ज़्यादा हेल्थ की जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गए। उसके बाद में इनफैक्ट जब ये बेड के ऊपर चले गए तब उस कुक को भी रियलाइज हुआ कि कितने बड़े आदमी के साथ में मैंने मतलब कितना गलत किया है, जो कि समाज को सुधारने के लिए इतने सारे काम कर रहा है। तो लास्ट टाइम पे उसने जो है वो अपनी इतना ज़्यादा गिल्ट में पहुंच गया कि उसने बता दिया कि मैंने आपके जहर मिलाया था, इस कारण मिलाया था। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे भी उसको माफ़ कर दिया, इनफैक्ट जो पैसे इनके पास में थे वो उसको दिए उस आदमी को और बोला कि भाई यहाँ से जोधपुर से चले जाओ, अगर यहाँ के लोगों को पता लग गया कि तुमने ये काम किया है तो फिर तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो उसको इनफैक्ट पैसे देके वहाँ से रवाना किया। जसवंत सिंह जी दोस्तों बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे कि उन्होंने इनवाइट किया किसी को और वो इस तरीके से प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने पूरे के पूरे डॉक्टर्स लगाए, वैद्य लगाए, इनको माउंट आबू भेजा, माउंट आबू के अंदर बिल्कुल हेल्थ को लेकर काम करवाया, लेकिन हेल्थ इतनी सही नहीं हो पाई। उसके बाद में अजमेर भेजा गया, अजमेर के अंदर कुछ टाइम रहे लेकिन इनके हेल्थ में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, और फाइनली दोस्तों अजमेर के पास में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई। दिवाली के दिन जो है इनकी मृत्यु है जो कि हुई थी। ओके, तो आप देख सकते हैं 54 किलोमीटर दूर है ना भिनई कोठी नाम की, कोठी नाम की जगह है, वहाँ पे इन्होंने लास्ट अपनी जो है सांसें ली और इनकी एशेज जो है वहीं पर ही, ऋषि उद्यान करके एक जगह है ना जहाँ पे आर्य समाज का टेम्पल भी है, डेली मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पे जो है पूजा पाठ भी होती, तो ये वहाँ पर जो है इनकी एशेस को वहाँ पे रखा गया। ओके, अन्ना सागर की लेक के पास में उसको बहा गया, जो कि आज के टाइम पे अजमेर पुष्कर हाईवे के ऊपर देखने को मिलता है। 3 दिन का आर्य समाज मेला भी हर साल है जो कि यहाँ पे लगाया जाता है, ऋषि उद्यान, ऋषि दयानंद जी की डेथ एनिवर्सरी को वहाँ पे जो है देखने को लेकर। ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट स्टोरी थी जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी और बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी होगी, है ना। जब तक आप किसी भी बड़े लीडर के लाइफ से कुछ सीखते नहीं हो तब तक उनके पढ़ने के बारे में या उनका पढ़ने का मतलब कुछ भी नहीं है। तो होपफुली आप इन चीज़ों के बारे में समझेंगे और इनको थोड़ा बहुत फॉलो ज़रूर करेंगे। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 की तरफ दोस्तों। यहाँ पे कल दिल्ली एम्बेसी, रशियन एम्बेसी के सामने भी कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनके बच्चे जो है वो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है उसके ऊपर $55 मिलियन का फाइन है जो कि यूएसए के द्वारा लगा दिया गया। ठीक है, तो नेशनल बैंक को पाकिस्तान ने बोला फ्राइडे को कि भाई यूएस के रेगुलेटर के साथ में वो एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें उनको $55 मिलियन का फाइन है जो कि लगाया गया है उनकी जो न्यूयॉर्क के अंदर ब्रांच है ना वहां पर, क्यों है ना, और जिसके बाद में 7% उनके शेयर जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जिसको NBP बोलते हैं, ओके, उसके डाउन चले गए। ये मतलब कुछ इसी तरीके से सोचो कि हमारा देश का बैंक है SBI को विदेश में कोई उसकी एक ब्रांच है और उसके ऊपर फाइन लग जाता है, किस वजह से, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम नहीं कर रहा है, गलत तरीके से कंप्लायंसेस देख रहा है, तो हमारे लिए कितनी गलत बात होगी ना। कुछ इसी तरीके से दोस्तों ये पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है उसकी न्यूयॉर्क के अंदर ब्रांच थी उसके ऊपर फाइन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि इन्होंने दोस्तों बिल्कुल भी सही तरीके से कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया, नॉन कंप्लायंसेस की वजह से, और वायलेशन किया कई सारे रूल्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर थे, समझ गए, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर थे। तो दो यहां पे डिपार्टमेंट्स के द्वारा इनके ऊपर फाइन लगाया, एक तो फेडरल रिजर्व बोर्ड के द्वारा और एक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा, और साथ में न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तीनों के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि जो इनका बैंक है न्यूयॉर्क ब्रांच है उसके ऊपर $55 मिलियन का फाइन है जो कि लगाया गया है। हालांकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है ऑर्गेनाइजेशन, इनकी लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट और है ना ब्लैक लिस्ट, तो उसके अंदर तो ब्लैक में तो नहीं है, ग्रे लिस्ट में, और ये बोल रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे
इसके केस की वजह से हमारे इसके ऊपर जो है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम लोग ब्लैकलिस्ट में नहीं जाएंगे। तो 2018 के से ही दोस्तों ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग को लेकर कुछ ज्यादा काम नहीं करे, इसलिए ये अभी तक ग्रे लिस्ट के अंदर ही है। ठीक है, चलिए। तो इस पेनल्टी का असर जो है वो FATF के अंदर नहीं होगा, ऐसा पाकिस्तान ने दोस्तों यहाँ पे बोला है। ओके गाइस, चलिए। तो इनको ये नोटिस है जो कि यहाँ पे दिया गया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मिर्ची मसाला लगाऊं, तड़कता भड़कता लगाऊं, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान मिलने गया रशिया से, तो अमेरिका ने उसके ऊपर फाइन लगा दिया है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगा के अपन ये भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी आपको मालूम है ना कि इमरान खान रशिया गए थे, हालांकि वो पहले से उनकी विजिट तय थी, इसके अंदर युद्ध का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सालों बाद में हुआ है। हमने पढ़ा था ना कि 1999 के बाद में, नवाज शरीफ के बाद में इमरान खान है जो कि रशिया गए और खाली हाथ लौट के आए, तो कुछ मिला भी नहीं वहां पे मतलब। ओके, कुछ मिलता तो चलो कुछ उनकी विजिट सक्सेसफुल भी होती, लेकिन कुछ मिला भी नहीं वहां पे। टेस्ट वेस्ट भी करवाया, सारे काम कराए, सारी बातें बोली, और उसके बाद में फाइन और लगा लिया, लेकिन फाइन लगाने का कारण कुछ दूसरा है। ओके, चलिए, ठीक है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। हमने शायद 2-3 साल पहले भी मैंने पढ़ाया था जब पाकिस्तान के बैंक के ऊपर जो है वो फाइन लग चुका है, क्योंकि उन्होंने वहां पे कंप्लाइंसेस को पूरा नहीं किया। ठीक है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, कॉमन बात है इनके लिए। चलिए, ऑल राइट। और सबसे बड़ा दोस्तों कमर्शियल बैंक है, आप देख सकते हो पाकिस्तान स्टेट ओन करता है 75% जो है ना स्टेक नेशनल बैंक को पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे बड़ा बैंक है जो कि इनका यहाँ पे माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 11 दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चर्नबिल के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। और इन्होंने बाइडन जो है इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ठीक है, वैसे लगते ना एकदम ये। तो इन्होंने अनाउंस किए एडिशनल सेंक्शन रशिया के ऊपर भाई, सही मतलब अमेरिका ने यार मतलब इतना बड़ा गेम खेला ना, पहले तो चढ़ा दिया बैंगन के पेड़ के ऊपर यूक्रेन को कि भाई पहले तो सपोर्ट करेंगे, अमेरिका तुम्हारे साथ है। जब यूक्रेन ने कोई स्टैंड लिया तो पीछे हट गए सारे के सारे कि नहीं नहीं भाई हम तो इस युद्ध के अंदर है ही नहीं। तो मतलब बैंगन के पेड़ पे चढ़ा के सही नहीं क्या यूक्रेन के साथ में? अभी यूक्रेन के साथ में पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है अगर देखा जाए। ठीक है, नाटो ने 40,000 सोल्जर भेजे हैं वैसे तो खैर, लेकिन अगर मैं बात करूं नाटो का भी वो रुख देखने को नहीं मिला है जो कि स्ट्रांगली डिफेंड करने के लिए यूक्रेन को होना चाहिए था, है ना। और अमेरिका ने तो कोई खास ऐसा कुछ किया नहीं है मतलब। ठीक है, तो ये वही बात है, काफी लोगों की जान जाएगी यार इसके अंदर, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं, बच्चों का स्कूल, बच्चों की एजुकेशन, कितना कुछ है जो कि स्टेक के ऊपर लगा हुआ है यूक्रेन के अंदर। तो ये सोचने की वाली बात है मतलब 21st सेंचुरी में इस तरीके की घटना होना, जहां पे ऑलरेडी कोरोना से पूरी दुनिया के ऊपर इतनी प्रॉब्लम आ रखी थी, उसके बाद इस तरीके से होना, रशिया को डेफिनेटली इसके ऊपर काफी सोचना चाहिए था। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, बाइडेन ने दोस्तों नॉमिनेट किया केतांजी ब्राउन को, जो कि फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे ब्लैक वुमेन है जो कि यूएस के इतिहास में यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की हेड है जो कि बनी है। ओके, तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पिक किया केतांजी ब्राउन जैक्सन को ऑन फ्राइडे टू बी द फर्स्ट ब्लैक वुमेन इन यूएस हिस्ट्री टू सर्व एज द नेशन हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है गाइस, तो नेशन के हाईएस्ट कोर्ट के अंदर जज है जो कि ये बनने वाली है। ओके गाइस, 51 साल की है और फेडरल ब्रांच में 2013 के अंदर अपॉइंट करी गई थी। 3 रिपब्लिकन सीनेटर ने भी इनको लास्ट ईयर जो है वो बैक किया था, तब ये यहाँ का जो सर्किट कोर्ट है वहां पर ही एड बनी थी। ओके चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 के लेकर। तो दोस्तों हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाले हैं और देखते हैं हमारी कौन सी इंडस्ट्री को नुकसान होगा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे, कई सारे इंडस्ट्रीज को नुकसान होने वाला है, जैसे कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को लेकर। ओके, रशिया से दोस्तों बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हमें मिलते हैं और हमारे फार्मर सेक्टर को हेल्प करते हैं। अब इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या हो गया है कि रशिया के ऊपर बहुत सारे सेंक्शन लगेंगे, उनके पेमेंट करने को लेकर, उनके बैंकिंग को लेकर, बहुत सारे चीज को लेकर, और वो हमें भी फॉलो करने ही पड़ेंगे क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि डॉलर के अंदर आप दोस्तों ट्रेड नहीं कर पाओगे रशिया से। अब तरीका एक ही बचा है दोस्तों कि रुपए के अंदर जो है वो ट्रेड करने को लेकर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तरीके निकाल सके किस तरीके से रुपए का पेमेंट करके हम लोग रशिया के जो सेंक्शन लग रहे हैं रशिया के ऊपर उसको हम लोग थोड़ा से ईज डाउन कर सके, है ना। वेस्ट कंट्रीज के जो सेंक्शन रशिया के ऊपर लगेंगे यूक्रेन के इन्वेजन के बाद में, गवर्नमेंट और बैंकिंग रिसोर्सेज दोस्तों सोर्सेज कोशिश कर रहे हैं कि इसका किस तरीके से तरीका है जो कि निकाला जाए, है ना। हमारे लिए दोस्तों इनके जो सप्लाई है ना फर्टिलाइजर के, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना हमारे फार्म सेक्टर को काफी प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलेगी। ओके, हमने लास्ट टाइम पे भी दोस्तों ऐसा ही किया था, हमने जब ईरान के ऊपर सेंक्शन लगे थे तो ईरान से भी हमने बाईपास तरीका है जो कि निकाला था,
है ना, ईरान के साथ में भी हमने वेस्टर्न सैंक्शन लगने के बाद में रुपए के अंदर ट्रेड किया था ताकि डॉलर का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि वहां पे नहीं आए। ओके, तो यहां पे हमें एक और चीज है जो कि यहां पे निकालनी पड़ेगी, तो तब जाके कुछ चीजें हैं जो कि इज डाउन हो पाएगी। चलिए ठीक है, इसके अलावा हमारे यहां पे जो कोल सप्लाई है, जो चोक है को, है ना, जो कोक सप्लाई है वो भी यहां पे दोस्तों डिस्टर्ब्ड होगी, इसका भी हमें निकालना है तरीका। और हमारे पावर यूनिट जो है ना उसके ऊपर इंपैक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है, जो अभी ऑलरेडी जो है काफी एनर्जी की प्राइसेस जो है वो ग्लोबली काफी बढ़ गई है। अगर जैसे मैं बात करूँ तो एक फ्रेंड है नीदरलैंड के अंदर, वो बता रहा था कि नॉर्मली घर सर्दियों में घर को जो उनको थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल रखना पड़ता है ना वहाँ पे नॉर्मली, है ना, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है, तो उसके लिए $400 के आसपास यूरो लगा करते थे उनके, है ना, 400 यूरो के आसपास में पूरे महीना चल जाया करता था, गैस का उनका बिल आया करता था। आज के टाइम पे दोस्तों वो बढ़ के पता है कितना हो गया, 2500 यूरो तक पहुंच चुका है। तो एक मिडिल क्लास आदमी जो वहां पर रह रहा होगा उसके लिए कितनी समस्या हो गई है। तो इन्फ्लेशन दोस्तों अक्रॉस यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इस वाले डिजास्टर की वजह से, इस वाली चीज़ों की वजह से, है ना। तो एनर्जी की जो प्राइजेज है ना वो अक्रॉस द ग्लोब जो है वो बढ़ने के चांसेस है। और हमारे यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कोल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, पावर प्लांट भी हमारे डिपेंडेंट है, है ना, स्टील एल्यूमिनियम ये सारे जो इंडस्ट्रीज है उसको इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। दूसरा एक और है इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट, हम लोग काफी कॉफी को एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन के अंदर, तो वो भी दोस्तों जियोपार्टी का मतलब होता है खतरे में पड़ना, तो वो भी दोस्तों खतरे में पड़ गया है। ठीक है, 75% रशिया जो है ले लेता है, इसके अलावा 20% जो है वो यूक्रेन ले लेता है, तो ये सब हमारे यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों तो ये देख सकते हो आप, मॉस्को जो है वो कीव के एकदम गेट तक पहुंच चुका है, इनकी राजधानी के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जो गवर्नमेंट टेरिटरीज है, आज या कल के अंदर वो सारे के सारे कब्जे में ले लेगा, है ना, ये जो है वो आज कल के अंदर हो जाएगा मतलब। इसके अलावा आप देख सकते हो इंडिया और जापान भी दोस्तों दोनों ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कर रहे हैं, हर साल होती है, आपको मालूम होगा नाम, धर्म गार्जन इसका नाम है। इसके अलावा एक जिमैक्स नाम की भी एक एक्सरसाइज है जो कि हम लोग मिलकर करते हैं। ओके गाइस, कहां पर होने वाली है, 27 से 10 मार्च के बीच में, कहां पे, कर्नाटका के अंदर ये एक्सरसाइज है जो कि होने वाली है। ओके चलिए, आपको मैंने एक दो दिन पहले पढ़ाया था कि बहुत सारे देशों के साथ में हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज है जो कि करते रहते हैं। इसके अलावा कल दिल्ली के अंदर भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है वो काफी सारे जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए मिले, हालांकि न्यूज वाले हैं वो उन्होंने खैर कवर करेंगे नहीं वो, क्योंकि ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन ये भी काफी बड़ा इशू था कल। कल दिल्ली के अंदर जो नॉर्थ ब्लॉक है आपका, है ना, वहां पे दोस्तों 1000 से भी ज्यादा सेंट्रल के जो कर्मचारी है, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज के, वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके दोस्तों पिछले 6 साल से कोई भी प्रमोशन है जो कि नहीं हुआ है। सरकार का ये कहना है कि केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है ना, और जो इनका स्टाफ है उनका कहना है कि बाकी सारे बोर्ड में तो, बाकी सारे डिपार्टमेंट में तो हो रहे हैं प्रमोशन, बाकी सारे मंत्रालय में, बस हमारे रोक रखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले 6-7 सालों से इनके जो है वो बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं हुआ है, इसी वजह से ये लोग जितेंद्र सिंह से मिलने भी वाले थे लेकिन वो ऑफिस के अंदर नहीं थे। और ठीक है, पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़े, इनफैक्ट 1 साल में तो बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट है जो कि नहीं हुआ है, तो इस वजह से काफी प्रोटेस्ट है जो कि देखने को मिला था। यहाँ पे 4,500 पोस्ट यानी कि 40% पोस्ट तो दोस्तों यहाँ पे खाली ही पड़ी है अभी, है ना, कोई रेगुलर प्रमोशन ही नहीं करे पिछले 6 साल के अंदर, ये वाले चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो गए, क्योंकि जब प्रमोट होके जब आप रिटायर होते हो तो आपकी सैलरी ज्यादा होती है, तो आपको पेंशन भी ज्यादा मिलेगी, मतलब आपको उसका, है ना। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो गई, वो आप विदाउट प्रमोशन या अगर रिटायर हो गए तो फिर आपके वो वाली प्रॉब्लम है ना, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। चलिए जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों फ्रंट पेज पे सारी वही न्यूज है। एक न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि नीचे वाली, जहां पे दोस्तों हमारे एक सेंट्रल के लॉ सेक्रेटरी थे, उनको दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जो कि नियुक्त किया गया है। आपको मालूम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको जज बनना है तो क्या क्राइटेरिया होगा, हाई कोर्ट के अंदर आप या तो 5 साल तक जज रहो, 10 साल वकील रहो, या फिर आप बहुत ही ज्ञानी एक जुरिस्ट आदमी हो जो कि प्रेसिडेंट की नजर में होने चाहिए हो। इसी प्रकार से स्टेट जो आपके हाई कोर्ट है उसमें भी होता है कि या तो आप सेशन कोर्ट के 5 साल तक के जज रहो, या 10 साल तक के वहां पे वकील हो, या फिर आप बहुत ही खतरनाक जुरिस्ट हो। तो ये जो जुरिस्ट वाला क्राइटेरिया है ना, ठीक है, ओके, वो जो है क्राइटेरिया जो है वो यहां पे फुलफिल हुआ है अभी, कि जो यहाँ पे लॉ सेक्रेटरी है उनको यहाँ पे जज बनाया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों जब एक केंद्रीय सचिव को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जो कि नियुक्त किया गया है, पहली बार हुआ है। उनका नाम क्या है,
अनूप कुमार इनका नाम है, तो ये नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात? कोलेजियम के द्वारा ये अपॉइंटमेंट है जो कि किया गया। कोलेजियम आपको मालूम ही है, ठीक है, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दो सीनियर मोस्ट सीजीआई होते हैं, दो सीनियर मोस्ट जज है जो कि उसके अंदर होते हैं, और वो कंसल्ट करते हैं फिर स्टेट के जो आपका स्टेट का जो चीफ जस्टिस है उससे, गवर्नर से, प्रेसिडेंट से, इन सब से। ओके चलो, इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, कल एक मूवी आई है गंगूबाई काठियावाड़, गंगूबाई के नाम से आपने देखी होगी, संजय लीला भंसाली की मूवी है ना, जिसके अंदर काफ़ी, देखी तो नहीं मैंने लेकिन रिव्यूज़ काफ़ी बढ़िया बताए जा रहे हैं और काफ़ी अमेजिंग एक्टिंग है जो कि आलिया भट्ट ने करी। आलिया भट्ट आपको मालूम है एक्ट्रेस तो बहुत ही खतरनाक है, जी के चाहे कितना ही पुअर हो लेकिन अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस है ना। तो यहाँ पे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो मूवी बनाई है ना वो एक बुक के ऊपर बेस्ड है, उस बुक को लिखी गया है हुसैन जैदी के द्वारा, माफिया क्वीन ऑफ मुंबई ये किताब का नाम है और हुसैन जैदी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, है ना, मुंबई के अंदर एक रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा, वहाँ के अंदर, वहाँ पे ये लेडी है जो कि आई थी और उन्होंने सेक्स वर्कर के लिए काफ़ी काम किया, उनके राइट्स के ऊपर काफ़ी काम किया, उसके ऊपर ये स्टोरी है जो कि कवर करी गई है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और आपने कल परसों या कुछ दिनों पहले देखा होगा एक मसला हुआ था जिसमें विद्यमान साहा जो कि इंडियन विकेट कीपर है, विकेट कीपर थे, अभी बंगाल की टीम से खेलते हैं, तो उन्होंने दोस्तों अपना एक ट्वीट जो है वो शेयर किया था जिसमें एक कोई जर्नलिस्ट था जो कि उनको इंटरव्यू के लिए धमकी दे रहा था कि अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरीके से थोड़ी सी थ्रेटलिंग लैंग्वेज है जो कि उसने यूज करी हुई थी। तो विद्यमान साहा ने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, ट्विटर कर ट्वीट पे डाल दिया कि ये जर्नलिस्ट है जो कि मुझे इस तरीके से धमकी दे रहा है इंटरव्यू देने को लेकर, मतलब समझ गए। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक वायरल हो गया था। तो अब बीसीसीआई ने क्या किया है, इसको देखने के लिए 3 मेंबर की कमिटी बनाई है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कमिटी है ना उसके हेड के बारे में पता होना चाहिए। 3 सदस्य कमिटी में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी, ओके, उनको दोस्तों यहाँ पे हेड है जो कि बनाए गए, अरुण सिंह और प्रभजीत सिंह, ये 3 लोग हैं जो कि इस कमिटी के अंदर शामिल है। हाँ, तो ये वाली बात हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब ये क्या है दोस्तों, देखिए समझने की कोशिश करो, बहुत ही छोटा सा एक नॉलेज है कि ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, तो ये आपको पता होने चाहिए। देखो क्या होता है कि जो भी आपके प्लास्टिक के मटेरियल है या कोई भी ऐसी चीजें होती है ना, तो उनको क्या करना पड़ता है कि आपको 3D टेक्नोलॉजी में जब आप उनको यूज करते हो तो आपको एडिटिव टेक्नोलॉजी है जो कि काम में लेनी पड़ती है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को आगे लेके जा सकते हैं। टारगेट क्या है कि 3 साल के अंदर $1 बिलियन GDP में हम लोग ऐड करें और 5% मैन्युफैक्चरिंग करें। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर क्या है कि 3D प्रिंटिंग होती है, 3D प्रिंटिंग होती है, आप कोई भी प्लास्टिक है, मेटल है, उसको कन्वर्ट करते हो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जो कि 3D होता है। अगर आप उसमें से किसी चीज को काटते हो तो उसको हम लोग सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ऐड करते हो तो एडिटिव बोलते हैं। ये आपके बहुत सारी चीजों में काम आती है, जैसे कि आपके, मतलब इंडिया के लिए तो खैर अपॉर्चुनिटी तो खैर है ही बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट लार्ज की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, IT पावर को बढ़ा सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कि हमको मेंटेन करने पड़ेंगे इसमें, है ना। चैलेंजेस है कि एक तो स्टैंडर्ड नहीं है अभी कोई, अडॉप्शन करना मुश्किल है, जॉब रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और इनिशियली जो है वो कॉस्टिंग भी इसके अंदर ज़्यादा आती है। ओके, तो ये आपके 100 न्यू स्टार्टअप है जो कि इसके ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं, 1 लाख न्यू स्किल्ड वर्कर्स है जो कि क्रिएट करने के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है बच्चों का, दोस्तों जो बजट के अंदर जो शेयर है ना वो दोस्तों कम हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक्चुअली हुआ क्या है समझने की कोशिश करें, अभी एक NGO के द्वारा एनालिसिस किया गया और बताया गया कि पिछले 11 सालों के अंदर सबसे कम बजट जो बच्चों के लिए आया है ना वो इस साल है दोस्तों जो कि आया है। ओके, अगर आप देखोगे 2022-23 के अंदर जो बजट है उसमें 92,000 करोड़ है जो कि एलोकेट किए गए बच्चों के लिए, लास्ट साल 85,000 करे गए थे। अब आप बोलोगे सर देखो ज्यादा तो है 7 करोड़,
7000 करोड़, लेकिन ज्यादा नहीं है एक्चुअली में। जो टोटल बजट के अंदर जो शेयर है वो पहले 2.46% था, जो कि अब रिड्यूस होके 2.35 है, जो कि हो गया है, और ये पिछले 11 सालों के अंदर सबसे कम है। चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी बजट कम हो गया 6%। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी है, न्यूट्रिशन है, इनके लिए जो पैसा था वो भी कम हो गया है। पोषण 2.0 जो है, जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बजट होता है, उसमें कोई एडिशनल पैसा नहीं आया। पीएम पोषण प्रोग्राम की बात करें, जो मिड डे मील स्कीम है, उसके अंदर दोस्तों कोई चेंज नहीं आया। उसके अंदर भी 10,000 करोड़ पहले भी उतने था, आज भी उतने ही है, है ना। चाइल्ड एजुकेशन पे दोस्तों मात्र 0.3% का बढ़ोतरी है जो कि देखने को मिली है, जो कि ना के बराबर है। वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लेकिन इसका कोई ज्यादा रेलिवेंस है नहीं, क्योंकि टीवी चैनल से बच्चा पढ़ने वाला है नहीं वैसे। तो पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तौर पर इसका लॉन्चिंग है जो कि करी गई, लेकिन कोई ज्यादा यूटिलिटीज की नहीं है। वैसे ही दोस्तों मिशन वात्सल्य जो है ना, उसके अंडर में प्रोटेक्शन और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन की बात करी गई, उसके अंदर भी बजट एलोकेट किया गया है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो बच्चों के ऊपर जो बजट है उसमें काफी कमी आ गई है, और उसकी वजह से आने वाले दिनों में मुश्किल देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसमें भी बच्चों के जो स्टंटिंग है, जो वेस्टिंग है, हाइट हेल्थ वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, बच्चों के खून की कमी बहुत ज्यादा है, तो ये सब प्रॉब्लम है। आगे बात करते हैं एक और नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, यूटिलाइज करेगा और उसको स्टोर करेगा। यहां पे आप देख रहे हो, पहले तो यहां पे आसमान से, एटमॉस्फेयर से CO2 को क्या किया, कैप्चर किया, फिर उसको यूटिलाइज किया और फिर उसको स्टोर किया। इससे क्या होगा, एक तो स्टोर वाली गैस आप काम में ले सकते हो कहीं और पे, दूसरा दोस्तों जो आपके ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी आप रोक सकते हो। समझ गए मेरी बात, ये बात यहां पे बताई गई है कि अभी यूनिवर्सिटी, एक रेडबाउंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूल में, और उस फ्यूल को हम लोग काम में ले सकते हैं, जिससे हम लोग नेट जीरो इमिशन का टारगेट 2025 तक अचीव कर सकते हैं, वो इनके द्वारा बताया गया है। समझ गए। चलिए, एप्लीकेशन क्या है, क्लाइमेट चेंज में हमें मदद मिलेगी इसकी, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूज में, ऑयल रिकवरी के अंदर, बहुत जगह पे इस गैस को हम लोग काम में ले सकते हैं। प्रॉब्लम बस अभी है कि इसके अंदर एक्सपेंसिव है, डिमांड कम है, जो भी रिसाइकल्ड CO2 की बात करूं तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS है जो कि इसको कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों एक और हमारे ग्रेट लीडर लक्षित बोरफुकन को लेकर। तो आप देख सकते हो लक्षित बोरफुकन की अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 400वीं बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों जो कि मनाई है, सेलिब्रेशन किया है, और यहाँ पे एक मेमोरियल भी बनाया है, है ना। और लक्षित जो बोरफुकन है, इनका भी दोस्तों एक स्टैचू है जो कि यहाँ पे अनवील किया गया है। देखिए अभी रिसेंटली क्या था कि 7वीं सेंचुरी के जो अहम लीडर है ना लक्षित बोरफुकन, इनका 400वां बर्थ एनिवर्सरी था, तो प्रेसिडेंट ने दोस्तों एक सेलिब्रेशन को वहां पे इनॉग्रेट किया। 24 नवंबर 1662, ओके, तब ये दोस्तों जो बोरफुकन है, ये इनकी जो लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, जो इन्होंने बैटल ऑफ सरायगढ़ के अंदर दिखाई थी। बैटल ऑफ सरायगढ़ 1671 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर मुगल फोर्सेस ने कोशिश किया था कि आसाम को जो है वो कैप्चर कर ले, लेकिन ये आसाम को कैप्चर नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस जमाने में अहोम किंगडम के पास में नेवल फोर्सेस बहुत ही अमेजिंग थी, और जो पानी के अंदर जो ये लड़ा करते थे ना, जो इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे था। ओके, इनके नाम पे दोस्तों एक नेशनल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट कैडर का अवार्ड भी, गोल्ड मेडल जो है वो इन्हीं के नाम पर है, जो कि 1999 के अंदर दोस्तों इंस्टीट्यूट किया गया था। जो ऐसे लोग जो कि डिफेंस पर्सनल होते हैं, है ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इनकी डेथ 25 अप्रैल 1672 को है जो कि हुई थी, है ना। बैटल ऑफ सरायगढ़ की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र के पास में हुई थी 1671 के अंदर, जिसके अंदर राम सिंह करके दोस्तों एक लीडर थे, राम सिंह थे, औरंगजेब ने इनको भेजा था उस एरिया को कैप्चर करने के लिए, राम सिंह। तो राम सिंह ने दोस्तों पहले तो क्या करा, जमीन के ऊपर लड़ाई करी, ओके, लैंड के ऊपर तो इनको थोड़ा फायदा हो गया, लेकिन उसके 2 साल बाद में दोस्तों क्या हुआ कि जो बोरफुकन थे उनको समझ आ गया कि हमारे जो पावर है वो हमारे समुद्र, हमारी पावर है नदी के अंदर लड़ना। तो उन्होंने दोस्तों टैक्टिक्स अपना के इनको आगे बुलाया, और जब दोस्तों ब्रह्मपुत्र के पे लड़ाई हुई है, लड़ाई, तो
दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई उस जमाने में नेवल बैटल हुई थी, जिसके अंदर अहोम किंगडम की विक्ट्री और मुगल्स को हार का सामना है जो कि करना पड़ा था। ओके, ये जो अहोम किंगडम है इसकी शुरुआत दोस्तों 13वीं सेंचुरी के अंदर सुकाफा नाम के रूलर थे, चाओलोंग सुकाफा, उनके द्वारा करी गई थी। जब 6 सेंचुरीज तक उन्होंने उसके बाद में रूल किया, 6 सेंचुरी तक। फाइनली ब्रिटिशर्स के अंडर में 1826 के अंदर ये किंगडम आया। टूटू ट्रीटी है जो कि इनके द्वारा करी गई थी, जिसका नाम था यदाबू, ट्रीटी ऑफ यदाबू के बाद में ब्रिटिशर्स के अंडर में ये एरिया आया था। ठीक है, यहां पे बात करें तो अहोम किंगडम दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस टाइम पे इनके एम्परर के द्वारा चलाया जाता था। एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लैंडलॉर्ड्स को यहां पे सत्ता नहीं दी गई थी और अपना एरिया जो है वो डिवाइड करके और हर एरिया में अपना अपना एक और जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि बिठा के यहां पे रूल किया करते थे। फोर्स लेबर यहां पे चला करती थी, पैक्स में डिवाइड कर रखा था, है ना, हर स्टेट में वो लोग काम करेंगे। सोसाइटी जो है वो क्लैन के अंदर या खेल के अंदर डिवाइडेड थी, जिसको कई सारे खेल में गांव है जो कि आया करते थे। सब लोग अपने अपने ट्राइबल गॉड को पूजा करते थे, लेकिन सबने जो है वो हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट किया हुआ था। ओके, लेकिन अपने ट्रेडिशनल बिलीव जो है वो फॉलो किया करते थे। इंटर मैरिजेस भी दोस्तों उस टाइम पे वहां पे हुआ करती थी। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जो पोएट थे, स्कॉलर्स थे, उनको जमीन दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा भी बाद में इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, हिस्टोरिकली काफी काम किया गया, है ना। यहाँ के सुप्रीम कमांडर जो थे मिलिट्री के, वही दोस्तों अहोम किंग है जो कि हुआ करते थे। ओके, चलिए ये देख सकते हो, ये पूरा उनका किंगडम है जो कि हुआ करता था और ये यहाँ पे लड़ा करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ध्यान रहेगा। और बहुत ही अमेजिंग लीडर है जो कि रहा करते थे, और उनके नाम पे 24 नवंबर है मेरे ख्याल से, जब स्टेट के अंदर दोस्तों, है ना, 24 नवंबर के आसपास मेरे ख्याल से स्टेट के अंदर जो उनका बर्थडे जो है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आपने देखा होगा ना उनका बर्थडे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। ठीक है, ये देखो 24 नवंबर को स्टेट के अंदर जो है उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि यहाँ पे रजाजा लेक को लेकर। तो देखिए ये जो रजाजा जो लेक है ये कहां पर है, इराक के अंदर है। ये लेक के अंदर दोस्तों एक टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे, बढ़िया यहाँ पे चिल किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे डेड फिश है जो कि देखने को मिलती है, कचरा देखने को मिलता है, और धीरे धीरे डेजर्ट के अंदर ये लेक है जो कि कन्वर्ट हो रही है, टूरिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये देखिए इसके बारे में बात करूं, रजाजा लेक। ओके, तो ये रजाजा लेक बहुत ही फेमस थी, लेकिन अभी धीरे धीरे इस लेक को बोलते हैं लेक मिल्क भी बोलते हैं, मिल है बोलते हैं अरेबिक में, इसका सॉल्ट लेक इसका नाम है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी लेक है ना उसका नाम है थार थार, उसके बाद में सेकेंड सबसे बड़ी लेक है जो कि यहाँ की मानी जाती है। ओके, लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, पॉल्यूशन की वजह से, ड्रॉट की वजह से, नेग्लेक्ट करने की वजह से इवेपरेशन बढ़ गया, समर के टाइम पे सीवेज का पानी आने लगा। अब धीरे धीरे दोस्तों ये पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। ओके, तो इसको रिवाइव करने को लेकर दोस्तों बोला गया है। तो इसके अलावा करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोस्तों 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देवायातनम नाम का दोस्तों लॉन्च है जो कि किया है, कहाँ पे, हम्पी कर्नाटका के अंदर। इसके अलावा डिश टीवी ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा गिरिराज सिंह जी ने ऑम्ब्यूट्स पर्सन ऐप है जो कि महात्मा गांधी नरेगा के लिए लॉन्च करी है, कंप्लेन जो है ना वो यहाँ पे रिसीव होगी। हमारे जो आर्मी चीफ नरावने साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है जो कि 4 पैराशूट बटालियन को दिया है। आज के दिन के इतिहास की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा 1993 के अंदर दोस्तों 500 केजी से भी ज्यादा बड़े कई सारे जो है हाइड्रोजन के बॉम्ब है, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बोल सकते उनको, मतलब हाइड्रोजन उनके अंदर इंक्लूडेड था। तो वो बॉम्ब है जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर दोस्तों लगाए गए थे उसको उड़ाने के लिए। ओके, हालांकि तो वो पहले ही जो है वो पकड़ लिया गया उनको, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, 6 लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों लोग उसमें, बॉम्ब तो खैर फूट गया था लेकिन जो उनका प्राइम पर्पज था दोनों नॉर्थ और साउथ को एक साथ उड़ाना, वो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाया। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो कि यूएस के अंदर ही देखने को मिला। ओके, चलिए इसके अलावा वोकैबुलरीज की बात करें, हाफ का मतलब होता है टू रिपीटेडली मेंशन ए सब्जेक्ट, बार बार जब आप मेंशन करते हो तो उसको हाफ कहते हैं। होन का मतलब होता है एक्यूरेट होना, हुडविंग का मतलब किसी को मिसलीड करना, गलत बात बताना, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब है प्रॉपर लिमिट को कोई चीज़ एग्जीट कर लेना, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है उसको कहते हैं।
है ना, पुल डाउन का मतलब है टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ अनादर, किसी और की प्रॉपर्टी लूट लेना। आज का पहला सवाल है दोस्तों, जो कि है बर्थ एनिवर्सरी आपको बतानी है, लचित बोरफुकन की किस तारीख को मनाई जाती है, मतलब कौन सी सेलिब्रेशन है जो कि बर्थ एनिवर्सरी किया गया। यूनियन शेयर दोस्तों बच्चों के लिए कितना परसेंट है बजट में, पीएम विद्या कितने चैनल तक एक्सपेंड करने के लिए बोला गया है। ओके चलिए, रशिया के अंदर भी दोस्तों इलीगल है अगर आप डर्टी कार है जो कि चलाते हो तो, जैसे कि दुबई में है ना, वैसे रशिया के अंदर भी दोस्तों इलीगल है डर्टी कार चलाना। ये आपका फन फैक्ट भी कवर कर लिया हमने। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स के लिए आप BHU 10 है जो कि लगा सकते हैं, आपको 10% ऑफ और जो भी लेटेस्ट ऑफर्स है वो सब आपको मिल जाएगा, और 40+ एग्जाम के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।